Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher, Ma'am Maria Fayaz, and I'm here again with the lecture of critical thinking and reasoning. Today the topic that we are going to discuss is fallacy of composition. Students, जैसा कि आपको मालूम है कि हम fallacies का जो topic है उसको detail में cover कर रहे हैं और इस सिलसिले में बहुत सारी fallacies हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं. इनफॉर्मल फैलेसीज की ये फॉर्म है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज की बनावट, यानी कि जो कॉम्पोजिशन होती है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को मिलाकर जब कोई एक चीज बनती है तो हम उसके मिला के बनने को कॉम्पोजिशन बोलते हैं. फैलेसीज ऑफ कॉम्पोजिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई चीज होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन पार्ट्स की जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स, बुरी भी हो सकती हैं, जब हम उन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को पार्ट्स की एज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि इसके पार्ट्स की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, यानी एक्स वाई जी वट एवर कैरेक्टरिस्टिक्स आर, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो होल कॉम्पोजिशन होगी या पूरी वो जो एंटिटी है उसकी भी सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, हम चाय पीते हैं. ठीक है, चाय किस चीज से मिलके बनती है? चाय की पत्ती, दूध, पानी, ठीक है, और चीनी. चीनी सब लोग नहीं पीते लेकिन मोस्टली पीते हैं तो चीनी भी होती है. अच्छा, अब अगर आप चाय पी रहे हैं और आप चाय पीते हैं तो आप की चाय बहुत मीठी है, तो आप कहते हैं कि चाय बहुत मीठी है, तो क्या आप एज्यूम करेंगे कि अगर चाय मीठी है तो इसका मतलब है पत्ती भी मीठी थी, पानी भी मीठा था, दूध भी मीठा था? ऐसा नहीं होता. ठीक है, जो उसके कॉम्पोनेंट्स हैं वो किसी एक कॉम्पोनेंट की क्वालिटी हो सकती है, एज अ होल कॉम्पोजिशन की वो क्वालिटी जरूरी नहीं है. हो फॉर एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लें इसी एग्जाम्पल को, चाय में पत्ती का जो टेस्ट होता है या पानी का जो टेस्ट होता है या दूध का जो टेस्ट होता है, ठीक है, पत्ती का अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, पानी का अपना एक स्पेसिफिक होता है, दूध का अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है. अब वो स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि चाय का भी वही टेस्ट हो. ठीक है, जब ये कॉम्पोनेंट्स आपस में मिलते हैं तो फिर उससे एक न्यू कॉम्पोजिशन बनती है. तो अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जो पत्ती का टेस्ट है, लेट्स से पत्ती अगर कड़वी है, मेरा ख्याल है, वैसे मैंने कभी खाई नहीं है लेकिन कभी खाई भी होगी तो फील यही होता है कि वो थोड़ी सी कड़वी होती है, तो पत्ती जो है वो कड़वी होती है, पानी का एक न्यूट्रल सा टेस्ट होता है, दूध का भी एक खास टेस्ट होता है, मीठा हल्का सा हो सकता है अगर दूध अच्छी क्वालिटी का है. तो अब आप पत्ती अगर कड़वी है तो आप नहीं कह सकते कि चाय कड़वी होगी, या पानी अगर न्यूट्रल टेस्ट का है तो आप नहीं कह सकते कि चाय का टेस्ट भी न्यूट्रल होगा क्योंकि पानी का टेस्ट न्यूट्रल है. ऐसा नहीं है, पत्ती की एक अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, पानी की अपनी है, दूध की अपनी है. जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर एक कॉम्पोजिशन बनेंगी तो उस कॉम्पोजिशन की कैरेक्टरिस्टिक जरूरी नहीं है कि वो हो जो उसके पार्ट्स की है. ठीक है, लेकिन जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही उस कॉम्पोजिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो ये बन जाती है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. ठीक है, ये एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है. इसको अब हम आगे पढ़ते हैं. फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एज्यूम्स दैट समथिंग फॉर अ पार्ट ऑफ अ होल मस्ट ऑल्सो बी ट्रू ऑफ द होल इटसेल्फ. The fallacy of composition involves taking attributes of a part of an object or class and applying them to the entire object or whole class. The fallacy of composition arises when we infer that something is true of the whole if it is true for some part of the whole. A trivial example of fallacy of composition might be: the tire is made of rubber, therefore the vehicle for which it is a part is also made of rubber. This example is fallacious because vehicles are made with a variety of parts, most of which are not made of rubber.
अच्छा जी, यहाँ पर इसी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन की डेफिनेशन है, ठीक है, आप इस पूरे पैराग्राफ को एज अ डेफिनेशन ही लें। उसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जो टायर होता है गाड़ी का वो रबर से बना होता है, तो हम अज्यूम कर लें कि क्या पूरी, चूंकि वो जो टायर जिसकी जिस गाड़ी के लिए वो बना है, क्या हम ये अज्यूम कर लें कि वो गाड़ी ही रबर की बनी है, तो ऐसा गलत होगा। सिर्फ उसका एक पार्ट टायर जो है वो रबर से बना है, बजात खुद गाड़ी जो है वो वैरायटी ऑफ मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। पीपल वुड कंसीडर द स्टेटमेंट इनकरेक्ट वेयर द होल पोजेसेस प्रॉपर्टीज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द पार्ट्स। द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन कैन अप्लाई इवन व्हेन अ फैक्ट इज ट्रू ऑफ एवरी प्रॉपर पार्ट ऑफ अ ग्रेटर एंटिटी। This fallacy is related to the fallacy of hasty generalization in which an unwarranted inference is made from a statement about a sample to a statement about the population from which it is drawn. ठीक है, एक होती है fallacy of hasty generalization. Hasty बोलते हैं कोई काम जो जल्दी में किया गया हो, तो जब hasty generalization का मतलब होता है कि आप जल्दी से किसी चीज को अखस कर लें, irrelevant चीज को, यानी आप किसी भी sample को अप्लाई कर दें उसकी पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन होती है रिसर्च में, आप किसी भी चीज़ पर जब रिसर्च कर रहे होते हैं किसी खास टॉपिक पे या किसी चीज़ पे, तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, और उसमें से जो आप सैंपल निकालते हैं उसको हम सैंपल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी एडीपी क्लास के मार्क्स के ऊपर करती हूँ कि एडीपी के मार्क्स या उनका मिड टर्म का रिजल्ट कैसा है, तो मैं अगर फर्स्ट लेट से के एडीपी में 50 स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, तो मैं कहूँ कि चले जी मैं 10 स्टूडेंट्स को चेक कर लेती हूँ, तो 10 से ऑन एवरेज मैं निकाल लूंगी कि 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो का रिजल्ट कैसा होगा। तो वो जो 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैं स्टडी करूंगी, वो 10 स्टूडेंट्स जो होंगी वो सैंपल होंगी, और 50 जो होगा वो पॉपुलेशन होगी, ठीक है, यानी पूरी क्लास जो होगी टोटल वो पॉपुलेशन होगी, और उसका जो सैंपल मैं निकालूंगी वो 10 होगा। अब अगर 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कुछ खास बता रहा है, तो मैं उस बेस पे जनरलाइज अगर कर लूं कि अगर 10 का रिजल्ट अच्छा है तो इसका मतलब है पूरी 50 का ही अच्छा होगा, अगर 10 का रिजल्ट बुरा है तो पूरी 50 स्टूडेंट्स का ही बुरा होगा, या 10 का एवरेज है तो पूरी 50 का ही एवरेज होगा, तो ये हो जाएगी हेस्टी जनरलाइजेशन, और ये जो है बेसिकली इसी को फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन की तरफ ही इंडिकेट कर रही है, जिसमें हम पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक को पूरी कॉम्पोजिशन एज अ होल की कैरेक्टरिस्टिक बना देते हैं। Here are some examples related to the fallacy of composition. If someone stands up out of his seat at a cricket match, he can see better. Therefore, if all people stand up, they all can see better. ठीक है, एक क्रिकेट मैच हो रहा है और सब बैठे हुए हैं, उनमें से एक खड़ा होकर अगर मैच देखेगा तो हमें लगता है कि वो अच्छे तरीके से मैच को व्यू कर सकता है। तो अगर सब लोग ही खड़े हो जाएं तो हम कहेंगे कि सब लोग ही अच्छे तरीके से व्यू कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। सब लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो इनफैक्ट सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाएगी और कोई भी मैच को सही तरीके से व्यू नहीं कर सकेगा। सम पीपल कैन बिकम मिलियनेयर्स व्हेन द राइट बिजनेस कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इफ एवरीवन हैज़ द राइट बिजनेस कॉन्सेप्ट एवरीवन विल बिकम अ मिलियनेयर। कि अगर आपके पास बिजनेस की सही सेंस है, कहें कि कुछ लोगों के पास राइट बिजनेस कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे वो मिलियनेयर बन जाते हैं, लिहाजा हम ये इन्फर कर लें कि हर इंसान जिसके पास राइट बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो अपने बिजनेस से मिलियनेयर बन जाएगा, ठीक है, तो ये भी एक फेलिशियस स्टेटमेंट होगी। If a runner runs fast, he can win the race. Therefore, if all the runners run faster, they all can win the race. ठीक है, सब runners जो हैं सब fast अगर चलेंगे तो हम कह देंगे they all can win the race. So this is not possible. Since every part of a certain machine is light in weight, the machine as a whole is light in weight. यानी हम कहें कि हर एक मशीन है उसका हर पार्ट जो है वो वेट में कम है, लाइट है, लिहाजा हम अज्यूम कर लें कि पूरी मशीन ही लाइट है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसके पार्ट तो लाइट हो सकते हैं लेकिन जब वो पार्ट मिलेंगे तो मशीन जो होगी वो एज अ होल लाइट नहीं होगी, उसका वेट ज्यादा होगा। कॉमन सेंस डज नॉट
एक्सेप्ट अबव एग्जाम्पल्स इट डज नॉट हैपन सच इन मोस्ट केसेस. फॉर एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री एंड मटीरियल साइंसेज अ सिंगल टाइप ऑफ एटम मे फॉर्म एलेक्ट्रोट्रोप्स विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मटीरियल. वन एग्जाम्पल इज ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट ईच कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन आइटम्स विच इज ट्रू ऑफ अ सिंगल कार्बन आइटम इज नॉट ट्रू ऑफ अ कलेक्शन ऑफ कार्बन आइटम्स बॉन्डेड इन टू अ मटीरियल. अच्छा यहाँ पे एक केमिस्ट्री की एग्जाम्पल दी गई है कि कार्बन आइटम को अगर आप डिफरेंट तरीके से बॉन्डिंग उसकी करें तो कहीं पर वो डायमंड बन जाता है तो कहीं पर वो ग्रेफाइट बन जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं. एक्सप्लेनेशन The argument being made is that because every part has some characteristic, then the whole must necessarily have that characteristic. This is a fallacy because not everything is true, but every part of the whole or the entire class that the object is a part of. The general form of the fallacy of the composition can be stated as all parts or members of X have the property P. Thus, X itself has the property P. ठीक है, ये एग्जाम्पल दी गई है कि ऑल पार्ट्स या मेंबर्स ऑफ एक्स, एक्स को आप कोई कॉम्पोजिशन कह या एंटिटी का नाम ले लें, इसके तमाम जो मेंबर्स हैं उनके प्रॉपर्टी है पी. लिहाजा हम एज्यूम कर लें कि एक्स की भी प्रॉपर्टी पी होगी, तो ये बन जाएगी फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन. कंसीडर सम एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन फॉर क्लैरिफिकेशन. Because all of the components of this car are light and easy to carry, then the car itself must also be light and easy to carry. यानी एक कार है, उसके different parts हैं, चूंकि वो parts जो हैं वो सब individually light हैं weight में, लिहाजा हम assume कर लें कि car भी बजाते खुद weight में light होगी या easy to carry होगी. यानी अगर आप car का steering उठा लें तो वो light आप अपने हाथ में उठा सकते हैं, आप car की का कोई मिरर फ्रंट मिरर हाथ में उठा सकते हैं, आप उसका टायर भी हो सकता है उठा सकते हो. लेकिन अगर आप एज्यूम कर लें कि चूंकि आप कार के पार्ट्स को उठा सकते हैं वो लाइट वेट में है, तो आप एज्यूम कर लें कि हाँ मैं कार को ही उठा सकता हूँ, तो ये फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन हो जाएगी. इन द अबव एग्जाम्पल वॉट इज ट्रू ऑफ द पार्ट्स कैंट बी ट्रू ऑफ द होल. यानी जो चीज पार्ट्स के लिए ट्रू है वो कैरेक्टरिस्टिक पूरे होल के लिए ट्रू नहीं है. At the same time, it is possible to make arguments similar to the above which are not fallacious. The conclusions made from arguments are valid. Here are the examples. Achha ji. Because all of the components of this car are entirely silvery, then the car itself must also be entirely silvery. The above two arguments are true. There is a need to note the difference between present and previous argument which are fallacious. The fallacy of composition is an informal fallacy, therefore we have to look at the content rather than the structure of the argument. When we examine the content we find something special about the characteristics being applied. A characteristic can be transferred from the parts to the whole when the existence of the characteristic in the parts is what we will cause it to be true of the whole. In present example of penny itself has mass because the constituent atoms have mass. In present example of car itself is entirely because the parts are entirely silvery. अच्छा जी, कुछ यहाँ पे एक example दी गई है कि कई ऐसी statements होती हैं जो composition fallacy नहीं होती. For example, एक car है उसके सारे parts silver color के हैं. ठीक है, जब उसके सारे parts silver color के होंगे तो definitely car भी as a whole silver color की ही आपको नज़र आएगी. तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसकी मेन या होल की कैरेक्टरिस्टिक को वाकई चेंज कर देती हैं वो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन नहीं कहलाती. देर इज एन अनस्टेटेड प्रेमिस इन द आर्ग्यूमेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रायर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट वाइल द पार्ट्स माइट बी लाइट वेटेड गेटिंग टूगेदर टू फॉर्म अ होल दे विल क्रिएट वेट अलॉट टू मच टू कैरी इजिली. A car can't be made light and easy to carry just by joining parts which are light and easy to carry. Similarly, a penny cannot be made invisible just because constituent atoms are invisible to us. अच्छा, ये penny वाला जो है example, I am not explaining it because it will be a chemistry thing. तो इसको हम ज़्यादा detail में नहीं पढ़ते. आप car वाली example को ही mind में रखें कि car जो है, चूँकि car के parts light हैं तो हम ये assume नहीं कर सकते कि car भी light होगी वेट में, क्योंकि जब वो पार्ट्स मिलेंगे तो वेट काफी ज्यादा हो जाएगा. हियर इज वन मोर एग्जाम्पल दैट इज लेस ऑब्वियस देन द अबव एंड इट इज जस्ट फैलेशियस.
because each member of this football team is the best in the league for his position, then the team itself must also be the best in the league. ठीक है, एक फुटबॉल टीम है और उस फुटबॉल टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपनी इंडिविजुअलिटी में बहुत बेस्ट हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं कह सकते कि वो टीम जो है पूरी लीग में बेस्ट है, क्योंकि टीम वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपकी फर्ज करें, आप क्रिकेट से एग्जाम्पल ले लें, हमारे यहाँ क्रिकेट को ज़्यादा देखा जाता है, अगर एक टीम है उसमें अच्छे बॉलर्स भी हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन भी हैं, फील्डर्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप कह लें जी बेस्ट टीम है, ठीक है, लेकिन वो टीम मैच हार जाती है जस्ट बिकॉज के वो टीम वर्क नहीं करते या उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। तो अगर आप समझते हैं कि एक टीम का इंडिविजुअल उसके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं, तो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि टीम भी अच्छी है, ठीक है, या वो जीतेगी। अबव एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलसीज। द एरर इज नॉट सिंपली रिकग्नाइजेबल सिंपली बाई लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गूमेंट बींग मेड। इंस्टेड we see that we used to look at the content of the claim. When we do that, we can see that the premise is insufficient to show truth to the conclusion. It is important to note that the fallacy of composition is similar to but distinct from the fallacy of hasty generalization. The latter fallacy involves assuming that fallacy something is true of an entire class due to a small sample size. This is different from making such an assumption based on an attribute that is indeed shared by all parts or members. अच्छा जी, जो fallacy हमने बताई है, fallacy of hasty generalization, ये fallacy of composition से मिलती जुलती तो ज़रूर है, लेकिन दोनों में difference है, ठीक है। जो fallacy of hasty generalization है वो बेसिकली अज्यूम करती है, एक मैंने आपको जैसे बताया, एक पूरी पॉपुलेशन में से जब आप सैंपल लेते हैं, उस सैंपल की क्वालिटीज़ को वो अप्लाई कर देती है पूरी पॉपुलेशन पे, ठीक है। लेकिन जो फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन है, ये बेसिकली किसी भी कॉम्पोजिशन के तमाम पार्ट्स की जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका वो अप्लाई कर देती है एज अ होल पे, ठीक है। तो ये एक ज़रा सा डिफरेंस है दोनों में। बहरहाल हेस्टी जनरलाइजेशन एंड फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन आपस में काफ़ी मिलती जुलती हैं, काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन इनमें डिस्टिंक्शन भी पाई जाती है, यानी डिफरेंस भी है कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द टॉपिक टूडे, द फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन में ये होता है कि जब कोई भी एंटिटी होती है उसके जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप अगर एज्यूम कर लें कि उन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरी एंटिटी के ऊपर असर होगा, यानी कि पूरी एंटिटी जो होगी वो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करती होगी जिस पर उसके पार्ट्स होंगे, तो हम इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। ऐसा हमेशा नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल दी थी सबसे पहले चाय की, कि चाय के क्या पार्ट्स होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पत्ती होती है, दूध होता है, चीनी होती है, पानी होता है, इन सब इंग्रेडिएंट्स का अपना अपना एक इंडिविजुअल टेस्ट है। आप उस इंडिविजुअल टेस्ट को नहीं कह सकते कि चाय का वो टेस्ट है। जब ये इंडिविजुअल अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मिलते हैं तो ये एक डिफरेंट टेस्ट जो है वो चाय का बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह कार की एग्जांपल दी गई है कि एक कार है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कि उन पार्ट्स का वेट कम है और दे आर इजी टू कैरी, तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि चूंकि कार के सारे पार्ट्स जो हैं उनका वेट कम है एंड दे आर इजी टू कैरी, देयरफॉर कार इज ऑल्सो लाइट इन वेट एंड इजी टू कैरी। यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज जब वो पार्ट्स मिलते हैं, चाहे वो इजी टू कैरी हैं एंड लाइट इन वेट हैं, लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो पूरी एक भारी भरकम कार बना देते हैं, तो कार एज अ होल जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो अगर आप अज्यूम कर लें कि जो पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है वही एज अ होल की कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कहलाती है फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ये मैंने जो आपका टॉपिक कवर किया है ये आपकी वाइट बुक से कवर किया है, तो यू कैन सी दी क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। पूरे इस टॉपिक को यू हैव टू गिव अ रीड टू इट, ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज सबको देख लीजिएगा। उसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस।
ठीक है स्टूडेंट्स, टेक केयर फॉर नाउ, आई होप यू हैव अ नाइस डे. ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.